अगर गुजर गुजर होगी तो मैं उधर वापस आ सकता हूँ, कोई क्यामत नहीं आएगी अगर आप लोग दो मिनट के बाद उनसे बात कर लें। मैं उनसे बताता हूँ, इनसे उन्होंने कहा कि मेरे 3 साल ना ये कर रहा है ना मैं कर रहा, कारण साहब की सदरी को इस वक्त हासिल है कि कश्मीर की आजादी का आहार तहरीक आजादी का यहां से होगा। तो फिर जब मैं ये कहता हूं तो फिर आपको मेरी बात सुनने से पहले पता होना चाहिए कि मैं क्या कहने वाला हूं, तो फिर उसका जोरदार तरीके से आह्वान करें कि यहां से 1.5 किलोमीटर दूर हुड्डाबारी से 26 अगस्त 1947 को कश्मीर की आजादी की तहरीक का आगाज हुआ और 5 लोग शहीद हुए। नीलाबाट में हुआ था, ये जोर से बोला नीलाबाट में हुआ, झूठ है। यहां से अगर मेरी सरजमीन को ये फर्ज हासिल है कि मरते हुए जो शेर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की राही का तहरीक की तहरीक भी हमने बाहर से शुरू की, ये भी आई और हमने तहरीक का आगाज किया बाग से, और उस वक्त कारा साहब लोग मुझे पागल करते कहते थे कि परवेज शर्मा कहता है ये आसिफ अली जरदारी की राय की तहरीक चला रहा है, इसके जलसे में कौन आएगा, इतने ही आए आसिफ अली जरदारी की राय की तहरीक और यह हमें फर्क, और आज हमें ये फर्क हासिल है कि आज आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है और आज आसिफ अली जरदारी का नुमाइंदा कमर नुमान चाहे एजाज चाकरानी हमारे अंदर मौजूद है, वजीर की हैसियत से जनरल बना हुआ जनरल परवेज मुशर्रफ की बात इसलिए मैं आया कायदा साहब हमें बुला रहा हूं, उसको गुजे गुजे थे, मैं 8 दिन से नशे की थी, मैं कपड़े बदले थे क्योंकि हमें तो लाशें दफनाते थे, हर घर में लाशें थी, हमें बुलाया गया, हमके उसे तकलीफ तकलीफ करके जनरल खिताब करके जनरल और मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा क्यों जा मैं खड़ा हो गया, ये सब हुआ है इनसे पूछ रहे, बहुत सारी फौज मौजूद थी, मैंने कहा क्यों जा, मैंने कहा हमें कुछ नहीं किया, कहता बोले बोले मैं फिर बोलना शुरू, मैं कहा मैं नहीं खड़ा वो भी खड़ा, मैंने उसको सारा बताया कि जो कुछ तुम्हें बीजे के लिए ये झूठ ये झूठ ये झूठ खड़ा होकर सुनता रहा, ये आपकी पीठ के पीछे कौन है, 100 से ज्यादा बच्चे इसके अंदर तक पीछे वो कौन है, 100 से ज्यादा बच्चे वहां, मैंने आपको सुप्रीम फील्ड बताया 422 बच्चे शहीद, और हालत ये थी इस हुकूमत की मुस्लिम काफिर की हुकूमत थी मेरी नहीं थी कि 3 दिन तक कायरा साहब बच्चियां चीखती रही अंदर से हम जिंदा है हमें निकालो, और इस हुकूमत की वो क्या मशीन थी क्रैन क्रैन नहीं था, और 3 दिन के बाद हमारी मछली आधा को तैयारी हो गई, चीखते चीखते 3 लैंडर को गिर चुके, कोई नहीं निकाल सका, उसके बाद भी इन लोगों ने पीपुल पार्टी को जलसे किए, ये नहीं किया पाकिस्तान में पीपुल पार्टी से राम में तो ये आए हैं, उसके बाद भी जब जंगली बदर साहब आज लोग आए थे इलेक्शन हुआ, ये सरदार कलूम का रतीब वजीर आजम का आबाई जिला है, यहाँ इंतखाबात हुए, यहाँ के लोगों ने मुस्तरद किया, ये जो जहां मैं खड़ा हूं जुल्म ये है कि वो जगह सबलियन बाहर आ गए सबलियन आ ही गए, लेकिन ये वो खुद की जवाब कागज चाहिए कि वो सबलियन बाहर और ये यहां से 15 किलोमीटर दूर जा, इन्हीं की हुकूमत थी मुस्लिम गौसा साहब की हुकूमत, और इन्होंने क्या किया लोगों को गुस्सा करने को, लोगों ने रिजल्ट दिया, हवेली से चौधरी अजीज आजाद जीता, मुस्लिम गौसा मुस्तरद हुई, शर्की हल्के से मैं आजाद जीता, मुस्लिम गौसा मुस्तरद हुई, इस हल्के में 8 घंटे में पोलिंग हुई, रात को 11 बजे मैं दूसरे हल्के में भी मैं जीता हुआ, मेरे 2970 वोट की ली, और तरावी दूसरे नंबर पे,
थी पोलिंग 36 घंटे की गिनती, 36 घंटे में गिनती, और दूसरे चार बजे कहते हैं कि आप 14 वोट से आगे, जान से भी मुस्तरा। और उस प्रदेश के अपने हल्के में भी तकरीबन मुस्तरा, बाढ़ के आवाम ने और मुजफ्फराबाद के आवाम ने, जान सरदर और नीलम महल के आवाम ने, जान सरदर हुआ था वहां मुस्तरद किया इनको, कोई वोट नहीं मिले इनको, और आजाद कश्मीर में भी इनको मुस्तरद किया, पाकिस्तान में तो इनको, जिनको आपने मारा दूल्हे बैठ को अगर मारा उन्होंने टिकट जाए परवेज मुशर्रफ के साथ चट्टान की तरह खड़े थे ये, मैंने कहा ये गोबर की चट्टान है, गोबर की चट्टान, ये गिर जाए नहीं खड़े हो सकते, परवेज मुशर्रफ के साथ ये खड़े थे, चौधरी से ये टिकट ले रहे थे, वो चौधरी शिदाब और दूसरों से, ये बहुत रसदार लोग हैं, लोग आज आपके पास क्यों आए, लोग करते नहीं चाहते, लोग आपको ये बताना खुशगवार करते नहीं, मेरा दोस्त कहता है तो खुश भगवान का दिल चाहते हैं, लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं। कायदा साहब लंबी बातें करने का मकसद हमने आपको सुना, मैं पहले भी बता चुका, जब मार्शल लॉ आया पाकिस्तान में तो हम खेल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इंतजार, पहली दफा मैं जेल में गया हूं 1978 में, जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत हुई, वो अशरफ बाबा सब ने सरदार अशरफ नजर आता है, एक रात उनके साथ रावत को लगाई और एक महीना हमें इस जेल में लगाया, ये जो बाबा है जमहूरियत है रहीम के, जिसको आज हमने सदारत दी 1970 का इसी पीपल्स पार्टी में, हम आज नौ जवान थे 10x10 के कमरे में, 78 में और 2021 में जब मार्शल लॉ होता है, जब भी मार्शल लॉ आता है हम जेल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इक्तदार में, 88 में मोहतरमा आई हम इक्तदार में, 90 में हम इक्तदार में आ गए, फिर जब मोहतरमा चली गई फिर हम जेल, जिसकी परवेज अशरफ बात करता है 1992 में यही जमहूरियत वाले और पाकिस्तान में फलाम इशार था, जिसमें कहा था कि हवा में चेहरा पट गया, हवा में पटा जब कमल समान के ऊपर, ये दिसंबर बड़ा खतरनाक महीना होता हमारे ऊपर, 6 दिसंबर 1992 में बाप के दो लोग रूपए जुल्म की इंतहा कर दी गई और हमारे कई दोस्त मजदूर हुए, आज भी जब मैं मजदूर शकील से देखता हूँ मुझे आपको कोई नहीं अखबार में हम थे 93 में लोग आते, फिर मोहतरमा की हुकूमत आई आने के बाद हमने दंडियां देखी 1990 में मोहतरमा के दौर में, हमने दंडियां देखी 1996 में मोहतरमा के दौर में, और जब माशाल्लाह आता है हम ये होते हैं जो हुकूमत में आते हैं, इसलिए हम लोग ये कहते हैं, हम कहते हैं, ये सारा मजबूत कह रही है कि अब